सफलता की अगली बात स्टेट ऑफ माइंड, हाउ इट वर्क्स। दोस्तों दुनिया में तीन तरह के माइंड होते हैं। एक माइंड होता है जो पास्ट की गलतियों से सीखता है और अपने प्रेजेंट को सुधारते हुए अपने फ्यूचर के बारे में अच्छा सोचता है। स्टेट ऑफ माइंड की हम बात कर रहे हैं। हम बात करते हैं दुनिया के सबसे पावरफुल माइंड कौन सा होता है। तो आज आप लोग एनालाइज करना कि आपके पास वो कौन सा माइंड है, क्या वो पावरफुल है या थोड़ा वीक है। दूसरा एक माइंड होता है दोस्तों जो हमेशा बस फ्यूचर फ्यूचर की सोचता रहता है। और तीसरा एक माइंड होता है जो सिर्फ प्रेजेंट में जीता है। ये मैं आपको कुछ कहानियों से शेयर करना चाहता हूं तीनों माइंड के बारे में। दोस्तों नंबर पहले माइंड की बात करते हैं, प्रेजेंट की सोचने वाला माइंड जो आज में खुश रहता है, कल क्या होगा, परसों क्या होगा, पास्ट में क्या हुआ क्या नहीं उसके बारे में कभी नहीं सोचता। वो एक ऐसा माइंड होता है जैसे एक जंगल में एक शेर था, बहुत सारे जानवरों को रोज खा जाता था। तो फिर जानवरों ने मीटिंग करी, यार ये शेर तो रोज जानवरों को खा जाता है, इससे अच्छा एक काम ना करे, एक एक जानवर इसके पास भेजे, इससे बात कर लो कि भाई तू इतने सारे मार देता है, खाता एक दो ही है, तो हम रोज तेरे को एक जानवर भेज देंगे। तो इस तरह जंगल में सेटिंग होगी कि भैया एक हर दिन एक जानवर, आपने अपनी बचपन की कहानियों में पढ़ा होगा कि इसके पास भेज देंगे। तो दोस्तों उसके पास रोज एक जानवर भेज दिया जाता, शेर खाता मस्त होता, जानवर को मारना उसने छोड़ दिया। अब एक दिन एक खरगोश का नंबर आया, तो खरगोश अपना चल दिया, बोला भाई आज तेरे को जो है शेर का खाना बनना है। खरगोश चल दिया, खरगोश चला, थोड़ी देर में बारिश हो गई, बड़े अच्छे घटा हो गए, बादल आ गए, 3 बजे पहुंचना था, खरगोश को 2 बज गए थे। खरगोश बोला चल यार नाच लेते हैं, थोड़ा इतना मजेदार बादल है, इतनी अच्छी बरसात है, थोड़ा नाचते हैं। खरगोश नाचने लगा, नाचते बज गए 5। खरगोश ने दौड़ा, भाई मुझे तो शेर के आ जाना था, 2 घंटे लेट हो गया। खरगोश निकला, खूब मजे लेते हंसते खेलते गया, शेर के पास गया, शेर को बोला भाई साहब मैं आ गया। शेर गुस्से में आग बबूला, अगर सी वो रखा, अबे बोला 3 बजे आना था, मैं भूखा मर रहा हूं। बोला भाई साहब क्या बताऊं, आता तो मैं 3 बजे ही, लेकिन रास्ते में एक शेर मिल गया, वो आपसे भी ताकतवर था, और मुझे ये बोला कि भाई कहाँ जा रहा है। मैंने कहा भाई साहब का खाना बनने जा रहा। बोला नहीं मेरा खाना बन। बोला भाई साहब मैं जान बचाते 2 घंटे हो गए, जान बचा के भाग दो आपके पास आयो। वो शेर तो पागल हो रखा था गुस्से में भूख में। शेर बोला कहां पर है। बोला चलो जी मैं दिखाता हूं। वो शेर को ले गया। शेर को ले जाने के बाद जो है उसने एक कुएं के अंदर शेर को दिखाया कि देखो। अब शेर ने कुएं में देखा, उसकी खुद की परछाई आई, शेर को धाड़ा, नीचे कुएं में से इको आई, आवाज आई, शेर ने कहा नीचे शेर है, शेर कूदा, शेर मर गया। खरगोश फिर बारिश का मजा लेने लग गया, बादलों का मजा लेने लग गया, नाचने लग गया। खरगोश कौन था? एक होता है ऐसा खरगोश, एक होता है एक ऐसा व्यक्ति जो ऐसे जीता सिचुएशन को, कैसी भी भयंकर से भयंकर सिचुएशन हो, लेकिन साइलेंट रहता है, निडर रहता है, इमोशनली स्ट्रांग रहता है, प्रेजेंट माइंड में जीता है। शेर जैसे लोग जो अशांत होते हैं, इमोशनली वीक होते हैं, भूख सहन नहीं होती, गुस्सा होता है, सोच रहे सकते शक्ति खत्म कर देते और अपनी जिंदगी बर्बाद कर देते। दूसरा माइंड होता है, एक होता है दूसरा माइंड जो पास्ट से सीखते हैं और फ्यूचर को ठीक करते हैं, पास्ट की गलतियों से। अब हम कहेंगे बहुत सक्सेसफुल लोग होते हैं जो पास्ट से सीख के फ्यूचर की गलतियों को सही करते हैं। जैसे कि एक कौवा था, उसको पानी पीना था, लेकिन उसकी चोंच नहीं जा रही थी, तो उसने पढ़ा होगा आपने, उसने पत्थर डाले, धीरे धीरे पानी आ गया, और जो प्रॉब्लम थी उसने उसे अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करके पानी पी लिया। अब ऐसे लोगों को हम बोलेंगे सक्सेसफुल लोग हैं। बिल्कुल सही है, ये पास्ट की लर्निंग से सीखते हैं, पास्ट की गलतियों से अपने फ्यूचर के अंदर प्रॉब्लम को अपॉर्चुनिटी बना लेते हैं। लेकिन दोस्तों कौवा सिर्फ पानी पी पाया, लेकिन अगर कौवे के सामने मरने की सिचुएशन होती, लाइफ थ्रेटनिंग पोजीशन होती जैसी खरगोश के सामने थी, तो शायद कौवा उस प्रॉब्लम को ऐसे लोग फेस नहीं कर पाते जो पास्ट से सीखते हैं, फ्यूचर को सुधारते हैं, प्रॉब्लम को अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करते हैं, लेकिन मेंटली स्ट्रांग नहीं होते, प्रेजेंट माइंड के नहीं होते। ये लोग अपने जीवन के अंदर जब इनके जीवन का अंत होने की कोई बात हो उस समय अपने आप को नहीं संभाल पाते। और एक तीसरा माइंड होता है दोस्तों लालची माइंड, फ्यूचर ग्रीडी माइंड। वो ग्रीडी इमोशंस होते हैं, लालची लोग होते हैं। जैसे एक कुत्ता था, वो हड्डी लेके जा रहा था, अच्छी खासी हड्डी खाने को मिली हुई थी, वो जा रहा था नदी के ऊपर से, उसने नदी में देखा, उसकी परछाई में देखा कि एक कुत्ता और हड्डी लिए खड़ा, जब वही खड़ा था तो उसने अपनी हड्डी छोड़ दी और उस कुत्ते को खाने के लिए नदी में कूद गया और मर गया, खुद की भी हड्डी गई और दूसरे की भी गई। ये होते हैं ग्रीडी इमोशनल लोग, जो लोग अपने लिए नहीं दूसरों का खाने के बारे में ध्यान ज्यादा समझते हैं और लालची लोग होते हैं, और हमेशा इनके अंदर अपना आज इनके पास क्या अपॉर्चुनिटी है उससे फर्क नहीं पड़ता, और दुनिया की अपॉर्चुनिटी या दुनिया की अपॉर्चुनिटी में काम करते घूमते हैं। तो ये होते हैं 3 तरह के माइंड, स्टेट ऑफ माइंड। दोस्तों हमारी जिंदगी स्टेट ऑफ माइंड पर डिपेंड करती है। अब सबसे पावरफुल माइंड कौन सा होता है, मैं खुद बताता हूं, वो होता है प्रेजेंट, खरगोश वाला माइंड कि भाई कर्म कर,
फल की इच्छा मत कर, ईमानदारी से कर, नेक नियत से कर, सच्चाई से कर। सुबह उठ शाम तक काम कर, रात को तान के सो जा। अगली सुबह उठ शाम तक काम कर, रात को तान के सो जा। जब काम करेगा तो अचीवमेंट अपने आप आएगी, बाई पार्ट है। पार्ट से दुखी मत हो, कल क्या था, फ्यूचर के बारे में मत सोच, ये तो चिंता हो जाएगी। दुखी और चिंतित आदमी कभी अच्छा जीवन नहीं जी सकता। पैसा कितना आ जाए फर्क नहीं पड़ता, अच्छा जीवन नहीं जी सकता। अगर अच्छा जीवन जीना है तो वही आदमी जी सकता है जो आज में जीता है। जब कल सुबह उठे भगवान को थैंक यू बोले, थैंक यू भगवान, आज मैं सोया तो दुनिया मर गई लेकिन मैं फिर भी उठ गया, थैंक यू सो मच, आई एम द लकीस्ट पर्सन इन दिस वर्ल्ड कि आज मैं जिंदा हूँ। और उसके बाद जीवन को उस दिन बिंदास जिए और उसके बाद फिर सो जाए। देखिए दोस्तों, हमारी प्रेजेंट परफॉर्मेंस हमारे फ्यूचर डिसाइड करती है। आज हमारा बेस्ट होना चाहिए तो कल तो अपने आप ही बेस्ट हो जाएगा। शाहरुख खान एक बात बोलता है कि जब भी मैं एक्टिंग पे जाता हूं, सेट पे जाता हूं, तो ये सोच के जाता हूं कि आज मेरे जिंदगी की सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस होगी क्योंकि यही आज मेरी आखिरी परफॉर्मेंस होगी। और दोस्तों ऐसे करते 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 वो 25 साल से राज कर गया इंडस्ट्री में, कि उसने हर दिन अपना बेस्ट दिया, बेस्टेस्ट दिया, और ये सोच के दिया कि यही मेरी आखिरी परफॉर्मेंस है, इसके बाद शायद मुझे मौका ना मिले। ये होता है प्रेजेंट माइंड की पावर। हमें आज अपना बेस्ट देना है। हम जब मार्केट में जाते हैं आज, तो आज अपना बेस्टेस्ट देंगे। कल क्या होगा, पहाड़ में जाए पता नहीं, कल दुनिया होगी नहीं होगी, क्या होगा क्या नहीं होगा, आज जीना है, आज बेस्ट परफॉर्म करना है, तो कल अपने आप बेस्ट हो जाता है। तो दोस्तों ये जो पावरफुल माइंड है प्रेजेंट का माइंड है। और जो सबसे कमजोर माइंड के लोग होते हैं वो फ्यूचर वाले होते हैं। जो ग्रीडी कुत्ता, वो कुत्ता जिसके मुंह में हड्डी और नदी देखता है, नदी में अपनी परछाई को देखता है, कूद के खुद भी मर जाता है, हड्डी मिल जाती है। अभी ने मैं ऐसी भाषा में कहूँ डायरेक्ट सेलिंग की, तो उस तरह के लीडर जो यहाँ भी धक्के खाए, कभी यहाँ आते हैं कभी वहां जाते हैं, दस दस पांच पांच कंपनियों में जाते हैं और हड्डियां देखते घूमते हैं कहाँ हड्डी मिलेगी, और जो उनके पास हड्डी होती है उसको छोड़ देते हैं। तो उनको मैं नाम से नहीं बोलूंगा, लेकिन उनकी मेंटल स्टेटस में बोलूंगा कि उनका स्टेट ऑफ माइंड बेटा यही होता है कि उन्हें अपनी अपॉर्चुनिटी दिखाई नहीं देती, दूसरे के पैसे, दूसरे की अपॉर्चुनिटी, दूसरी चीजें दिखाई देती है, उनको अपनी कमियां कभी दिखाई नहीं देती, अपने अपने अंदर क्या क्या उनके अंदर अच्छी चीजें नहीं है, अपनी बुराइयों पे कभी बात नहीं करते लेकिन वो दूसरों की बुराइयों पे बात करते हैं। तो ये तीसरे स्टेट ऑफ माइंड के लोग खुद भी बर्बाद होते हैं और दूसरों को भी बर्बाद कर देते हैं। अब बात करते हैं, तो अब मैं चाहूंगा कि एसलीपीएस वेलनेस का डायरेक्ट सेलर, एसलीपीएस परिवार का हर एक व्यक्ति परसेंट स्टेट ऑफ माइंड में जिए, क्योंकि मैं भी ऐसे जीता हूं। मैं सुबह उठता हूं, शाम तक मेहनत करता हूं, रात को तान के सोता हूं, क्या आएगा क्या नहीं आएगा वो जाए, फ्यूचर की कभी चिंता नहीं करता और पास्ट से कभी दुखी नहीं होता, क्योंकि दुखी और चिंतित आदमी कभी जीवन में तरक्की नहीं कर सकता। तो मुझे ऐसा विश्वास है कि आज के बाद हमारे ज्यादातर लोग प्रेजेंट लाइफ जिएंगे, तो देखो जिंदगी जीने का क्या मजा आता है। अब करते हैं सफलता।